ओम शांति ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया इतनी अच्छी श्रेष्ठ नॉलेज दी इतनी गति सदगति हमारी हो रही है तो आप भी अपने कार्य में ना बाबा को साथ रखिए मैं कर रहा मैं कर रहा ये करते करते हालत देखो क्या बना ली है तो आज भी बाबा ने कितने अच्छे से कहा कार्य तो करना है ना कैसे करोगे बाबा की याद में हर्षित मुख स्थिर अचल अडोल मना हिलो नहीं प्रकृति की किसी भी हलचल से हिलो नहीं कंबाइंड स्वरूप का अर्थ ये नहीं होता कि आप बस ऐसे बैठे समाधि ऐसे मैं बाबा बाबा बस ये आपने सारे दिन के अंदर उनको कंबाइंड रखना है अगर आपके चिंतन में किसी का सहयोग आता भी है तो सबसे पहले बाबा आना चाहिए बाबा अपना कार्य करा देगा कैसे भी कराए आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा सोचो शरीर को चलाने के लिए साइंस वालों ने इंजेक्शन तक बना रखे हैं कि शरीर ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा तो फिर शांति और एकदम शक्ति जो भगवान से मिलनी है तो कितना कुछ हो सकता है लेकिन उसका चित्त में मना लाना पड़ता है